जय स्वामी नारायण एवरी वन. टुडे इन 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स आई एम गोइंग टू कन्वे अ न्यू टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. यस, इन दिस सम ऑफ द कॉजेज आर देयर थ्रू विच द बिजनेस इज सफरिंग. सम ऑफ द रिस्क विच आर एडवर्सली अफेक्टिंग टू द बिजनेस दैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी and also affecting to its decision making. कुछ ऐसे risk होते हैं business में जो उसकी profitability और उसके decision making को बुरी तरीके से असर पहुँचाते हैं. उसमें कौन कौन से risk है वो मैं आज आपको थोड़े explain करने वाला हूँ. So first risk is associated to change in technology. Yes, if the change in technology is there, then the new technique of production should have to be adopted, which is being done by implementing or which is being done by involving new technology and machinery for production. It is an expense oriented process, but if it is not being implemented, then your business is getting adversely affected by it. So, jaise technology mein change aata hai, उसी हिसाब से आपको नए मशीनरी और इक्विपमेंट्स अपने बिजनेस में इम्प्लांट करने पड़ते हैं. इफ़ यू आर नॉट डूइंग सो एंड योर बिजनेस विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय इट एंड दैट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. अगर आप क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके, तो आपको नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है. भले ही ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा बिजनेस में, जिसके बगैर आप जो है आपका बिजनेस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है. सेकेंड पॉइंट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. Yes, it may happen that the customer may get diverted to the substitute product. For example, television in place of radio, ball pen in place of fountain pen, and steel vessel in place of copper or brass. तो जो customer होते हैं वो change से काफ़ी influenced होते हैं और वो देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट में कौन सा दूसरा प्रोडक्ट है जो वो यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, लोगों ने टेलीविज़न को अपनाया रेडियो की जगह. लोगों ने जो स्टील वेसल्स हैं उनका जब यूज़ शुरू होने लगा, तब उन्होंने कॉपर और ब्रास के वेसल्स को अवॉइड करना शुरू किया. और जैसे जैसे बॉल पेन्स ज़्यादा यूज़ में आए, उस तरह से फाउंटेन पेन्स को लोगों ने यूज़ करना कम कर दिया. तो हर एक चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है जिसकी तरफ कस्टमर डाइवर्ट हो सकता है. सो दैट इज़ अनदर रिस्क दैट इज़ एसोसिएटेड विद द बिजनेस. से थर्ड थिंग इज़ कॉम्पिटिशन. यस, कॉम्पिटिशन इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. It may happen that the businessman will take the decision of increasing the expense on advertisement, and he may reduce the price of the product in order to strive the competition or in order to face the competition. तो competition भी एक ऐसा factor है जो business को adversely affect करता है, क्योंकि competition को face करने के लिए कभी कभार businessman जो है वो एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए जो एफ़र्ट्स है उन पे ज़्यादा फोकस करता है, उन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है और वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देता है ताकि वो कंपटीशन को अच्छी तरीके से फेस कर सके. तो ये भी एक दूसरा रिस्क है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है. लेजिस्लेशन. यस, सम लॉज एंड रूल्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट. लेजिस्लेशन है, उसको आप लॉज या रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो समझ सकते हो. एंड दिस लॉज और रूल्स आर रिलेटेड टू कस्टमर, फैक्ट्री, पोल्यूशन एक्सेट्रा. द लॉ विच इज़ बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट लाइक फैक्ट्री एक्ट, वेज एक्ट,
दिस रूल्स एंड रेगुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस. दैट वाई दिस आर ऑल्सो बींग कंसिडर्ड एज बिजनेस रिस्क और द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बिजनेस. तो कुछ गवर्नमेंट के से जुड़े हुए लॉस और रूल्स होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, वेज एक्ट, जिसको बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है. अगर बिजनेस ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल बिजनेस एक्टिविटी. अगर ये रूल्स या रेगुलेशन जो है बिजनेस ठीक से फॉलो नहीं करता, तो बिजनेस के खिलाफ गवर्नमेंट किसी तरह का एक्शंस ले सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट हैम्पर्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस. तो इससे डिसीजन मेकिंग जो बिजनेस में होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, या फिर इस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है. चेंज इन डिमांड. यस, चेंज इन डिमांड इज कनेक्टेड टू द टेस्ट प्रेफरेंस, इनकम एंड द अदर थिंग दैट इज बीइंग एसोसिएटेड विद द कस्टमर. तो चेंज इन डिमांड ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द बिजनेस और दैट इज अफेक्टिंग डायरेक्टली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बाय द वे ऑफ सेल्स. इफ द चेंज इन डिमांड इज देयर, देन इफ इट इज नेगेटिव, इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, एट दैट टाइम योर सेल्स इज ऑल्सो वी विल बी अफेक्टेड बाय दैट. तो बिजनेस में जो चेंज इन डिमांड, जो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस, उसके इनकम के ऊपर बेस्ड होता है, उससे भी काफ़ी हद तक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है. क्योंकि चेंज इन डिमांड, डिमांड के में चेंज आने की वजह से, किसी एडवर्स तरीके का चेंज आने की वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो अफेक्ट होती है. एंड इफ द सेल्स इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द चेंज इन डिमांड, देन द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑल्सो बी देयर. जिससे कि प्रॉफिट आपको सेल्स से जो आपके बिजनेस को मिलता था वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा, अगर डिमांड में जो चेंज आया वो एडवर्स हो तो. सो चेंज इन डिमांड इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विथ बिजनेस. नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल रिस्क. द फिजिकल रिस्क इज एसोसिएटेड टू डैमेज दैट इज रिलेटेड टू द असेट बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस. तो जो बिजनेस में जो एसेट्स यूज करते हैं उसके डैमेजेस को से रिलेटेड जो रिस्क है उसको आप फिजिकल रिस्क कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द रिस्क दैट इज रिलेटेड टू डैमेज इन गुड्स और डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड नॉन फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी. यस, दिस टू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेक्स्ट बुक. जो डैमेज जो गुड्स आपको ट्रांसपोर्ट करने में होता है, और दूसरा जो नॉन फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी से रिलेटेड जो डैमेज है उसको आप फिजिकल रिस्क कंसिडर कर सकते हो. सो दिस आर द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विथ बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू प्रोफेशन. यस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? नाउ प्रोफेशन इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच द अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इज प्रोवाइडिंग द सर्विस इन रिटर्न ऑफ फीस. तो प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी या ऐसी गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जिस सर्विस को प्रोवाइड करने से उसको रिटर्न में फीस मिलता हो. सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द रिटर्न इज देयर इन द फॉर्म ऑफ फीस. इसे भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया गया है क्योंकि इसमें जो रिटर्न होता है वो फीस के फॉर्म में पर्सन को मिलता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. जो स्वरूप प्रोफेशन के होते हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. यस, प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इन विच यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनी अदर पर्सन. जैसे दूसरे एक्टिविटीज़ में आप किसी तरह का ऑर्डर
फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट में जैसे किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर आप फॉलो करते हो, वैसे इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स आपको प्रोफेशन में फॉलो नहीं करने पड़ते, इसलिए आप कह सकते हो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. सेकेंड, मॉनेटरी रिटर्न इज अनसर्टेन. यस, इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन द मॉनेटरी रिटर्न इज अनसर्टेन बिकॉज योर प्रोफेशन इज डिपेंडिंग ऑन द अवेबिलिटी ऑफ कस्टमर. आपके जो कस्टमर या क्लाइंट है उनके ऊपर आपका प्रोफेशन पूरी तरीके से डिपेंड करता है. इफ़ यू हैव द मोर क्लाइंट यू विल गेट द फीस, इफ़ यू डोंट हैव द क्लाइंट यू विल नॉट बी एबल टू गेट द फी. सो द मॉनेटरी रिटर्न इज अनसर्टेन इन प्रोफेशन, whether it is the field that is related to advocate or law, or you can say this doctor or any other field. Jo doctor ya management oriented field hai, isme sabhi mein monetary return jo professions is related hai wo thoda uncertain hota hai. Yani ke aapko fees milegi ya nahi wo depend karta hai customer ke ya fir aapke client ke upar. और इस वजह से यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न अनसर्टेन होता है. नेक्स्ट थिंग इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज. यस, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन. सो वॉट एवर द प्रोफेशनल पर्सन इज और हु मे एवर द प्रोफेशनल पर्सन, ही और शी इज हैविंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू हिज फील्ड. जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति होता है उसके पास अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशन का नॉलेज रहता है. फॉर एग्जांपल टीचर के पास नॉलेज होता है कि वो कैसे पढ़ाए, डॉक्टर के पास नॉलेज होता है कि वो कैसे सर्जरी या ऑपरेशन करे. ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट यानी कि कोई एमबीए कर रहा हो तो उसके पास कैसे बिजनेस को मैनेज करना है उसका नॉलेज होता है. सो इट इज़ अ फील्ड इन विच द स्पेशलाइज नॉलेज एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ फीस. यस, एडवोकेट हो चार्टर्ड अकाउंट हो वो सारे अपने सर्विस के लिए या जो भी सर्विस वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोफेशन जो होता है वो एक सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसमें कोई व्यक्ति आपको सेवा देता है. सो वो जो भी सर्विस देते हैं उसके रिटर्न में वो आपको कुछ फीस चार्ज करते हैं. सो इसमें प्रोफेशन में जो रिटर्न होता है वो फीस के फॉर्म में होता है. कोड ऑफ कंडक्ट. यस, सम कोड ऑफ कंडक्ट इज बीइंग फ्रेम्ड बाय द रिस्पेक्टिव एसोसिएशन दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. कुछ कोड ऑफ कंडक्ट कुछ एथिक्स होते हैं जो हर एक प्रोफेशनल व्यक्ति को फॉलो करने होते हैं और जिसको जिसका फ्रेमिंग या फिर जिसको फॉर्मुलेट उनके रिस्पेक्टिव एसोसिएशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडवोकेट है तो उसने एडवोकेट की डिग्री किसी लॉ के इंस्टीट्यूट से पाई होगी और लॉ के इंस्टीट्यूट ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट उसको सिखाए होंगे जिससे कि उसे पता है कि उसके सर्विस में उनसे क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो द कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट डू एंड व्हाट डोंट हैव टू बी डन इन द इन हिज रिस्पेक्टिव फील्ड. कोड ऑफ कंडक्ट को आप ये समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ें अपने वर्क में करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, प्रोफेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज बींग डन फॉर अर्निंग द रिटर्न. यहाँ इसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें भी कुछ अर्न करने का मोटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल फीस. सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क एंड अबाउट प्रोफेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू.